शुभेंदु जी आपको तो नसीहत दे रहे थे भारद्वाज जी। खैर, जो मेरा आपसे सवाल है सर, अब मूल सवाल तो ये है, मैं हरीश खुराना जी को सुन रही थी, बड़ी अच्छी बात है वो कह रहे थे कि जिनके पास नंबर हैं वो डरे हुए हैं, और एक एक बात कही उन्होंने कि हम तो पूरे संघर्ष के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब जो मूल सवाल है कि सच में जीतने के लिए लड़ेंगे या सिर्फ लड़ने के लिए लड़ेंगे, मैसेज देने के लिए कार्यकर्ताओं को लड़ेंगे, क्या तैयारी है सर्कल की? जी, अभी तक की जो फिगर्स हैं, जो चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें डिप्टी मेयर और मेयर बनाने के लिए हमारे पास फिगर्स नहीं हैं, और उसके अनुसार आम आदमी पार्टी का जो मेयर है और डिप्टी मेयर, उसको बनना चाहिए। संविधान में जो लोकतंत्र में जीत के आए हैं, इनको अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाना चाहिए। यदि 6 तारीख को इन्होंने झगड़े नहीं किए होते तो 6 तारीख को ही बन जाता, परंतु अब इन्होंने आज अपनी बातें मानी हैं, कल उसके हिसाब से झगड़ा ना करते हुए, और सभी चीजें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव के लिए आप पूरा प्रोसेस करिए, हम आपके साथ हैं। दिल्ली की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो आपने कमिटमेंट दिए हैं, दिल्ली की जनता के लिए जो आपने कमिटमेंट दिए हैं, वो सब पूरे करेंगे। हमारी जहां सहयोग की आवश्यकता होगी वो जरूर करेंगे, परंतु कम से कम ड्रामेबाजी मत करिए, काम करिए। मगर एक बात बताइए, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, उसका भी सम्मान है, लेकिन अगर यही यही होना था तो पिछली बार ही हो जाता। विवाद तो इस बात पे था ना कि जो मनोनीत पार्षद हैं, एक तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर प्रश्न था, दूसरा मनोनीत पार्षदों को लेकर। तो अगर वोटिंग ऐसे होनी थी कि चुने हुए पहले करें और फिर मनोनीत, जो इस बार हो रहा है, तो पहले ही नहीं हो जाना चाहिए था, तो शायद 6 तारीख को मेयर मिल जाता। तो इस बार आप लोग ऐसा क्यों, मतलब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा सा, क्या कोई दबाव है या नंबर्स जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहे, क्या है, मतलब मैं समझना चाह रही हूँ सर। नंबर्स का कोई खेल नहीं है यहाँ पे, ना मैनेज करने की कोई प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, उसका व्यक्ति होता है, 4 बार की पार्षद हैं, वो मेयर रही हैं, और इसलिए उनको बनाया गया, वहां पे कोई टेक्निकल रॉन्ग नहीं किया हम लोगों ने। और शपथ पहले किसको लेना है, बाद में किसको लिखना है, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। कोई भी पहले होता, इनको ऐसा डर लगा कि कहीं इनसे शपथ पहले कराकर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में उनको अलाउ कर दिया जाए, ऐसा डर था इनके अंदर। इनके अंदर बहुत बड़ा डर आज भी है, बीच में भी डर था, इसलिए इन्होंने दो दो नाम दिए मेयर के लिए। तो ये डर इनका अपना है, जैसा हरीश जी ने कहा आपको एक वक्तव्य में, कि डरे हुए क्यों है, आपके पास 134 नंबर हैं, 150 नंबर हैं, इनफैक्ट देखें एमएलए को मिला के हमारे पास 124 125 होंगे लगभग, तो हमारे से लगभग 25 ज्यादा है, आपके 24 ज्यादा है, तो आप क्यों डरे हुए हो? आपने जो बात कही है उसमें तो जवाब, आपने कहा कि नंबर्स जो हैं इनके पास हैं, फिर आप लड़ रहे हैं ना, आप लोगों ने लास्ट दिन लड़ने का फैसला लिया है, तो फिर उसका क्या कि आप लड़े सिर्फ ये मैसेज कन्वे करने के लिए, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। बिल्कुल जीनत जी, हम इनको ये 134 सीटें मिली तो 104 हमको भी मिली, अब 105 हो गई है, ठीक बात है, हैं। और हम भी अपना मेयर लगा सकते हैं, हारना जीतना तो ये एक संविधान की पड़ा है, वोटिंग होती है, ठीक बात है, तो हम वोटिंग करा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है, बल्कि इसका स्वागत है, स्वागत होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए भाई। तो ठीक है, 34 और इनके बैंक मिला के 149 वोट मिल जाएंगे, हमको 124 125 मिलेंगे, आप अपनी सरकार और डिप्टी मेयर बनाइए ना। नहीं ठीक है, अभी तो मैं तो अंतरात्मा की, हाँ एक मिनट भारद्वाज जी क्या काउंटर करना चाह रहे हैं शॉर्ट में? देखिए जीनत जी, अभी फिर शुभेंदु जी ने बोला कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। अरे जो हाउस का एजेंडा है वो म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने बाकायदा साइन करके एजेंडा दिया है, और म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने बाकायदा अपने लॉ ऑफिसर्स के साथ बात करके, कमिश्नर से बात करके फिर एजेंडा निकाला है। अगर इस बार के एजेंडे में इलेक्टेड काउंसलर की पहले शपथ है तो पिछली बार भी यही होना चाहिए था, प्रक्रिया यही है, संविधान यही है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, डीएमसी एक्ट ये कहता है, लेकिन पिछली बार साजिशन इन्होंने इस तरीके की कोशिश करी कि नॉमिनेटेड को पहले और कराई जाए, और उसी पे हंगामा हुआ था। अब क्योंकि अब चीजें साफ हो गई, अब एजेंडा सबके सामने, मीडिया के सामने, तो कल मेरी उम्मीद है कि कल भारतीय जनता पार्टी कोई बदमाशी नहीं कर पाएगी सदन। ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए शुभेंदु जी, बोलिए क्या जवाब दे रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। बदमाशी को बिल्कुल नहीं कर पाएगी, इस तरीके के शब्दों को इस टीवी के चैनलों पर मत प्रयोग करिए, किसने बदमाशी किया? नहीं नहीं ठीक है, मैं भी इसका खंडन करती हूँ, कोई भी बदमाशी ना करे, चक्कू छुरियों की बातें हुई, हमने तो देखा खून भी बहा, ये सब जो आरोप लगे एक दूसरे पर, इन सबसे परे अच्छी बातें होनी चाहिए। ठीक है।